नमस्कार फ्रेंड्स। तो आज का जो हमारा यूनिक टॉपिक वो है इटालियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसके बारे में हमें बहुत सारी कॉल्स बच्चों की आ रही है, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं हमारी जो इटली से रिलेटेड स्टडी इन इटली से रिलेटेड हमने जो बहुत सारी वीडियोस हैं हमारे चैनल के ऊपर फ्री स्टडी इन इटली। तो बच्चों की और पेरेंट्स की यही क्वेश्चंस रहता है कि बच्चे किस तरीके से वहाँ पर स्कॉलरशिप अप्लाई कर सकते हैं, कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, क्योंकि इटली का जो स्कॉलरशिप है वो डिफरेंट टाइप का स्कॉलरशिप है, उसके लिए डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है। जैसे आप इंडिया गवर्नमेंट बच्चों को स्कॉलरशिप देती है बीकर सेक्शंस के, तो उनको भी अपना इनकम सर्टिफिकेट दिखाना पड़ता है, अपना कास्ट सर्टिफिकेट दिखाना पड़ता है। दे आर आफ्टर इंडियन गवर्नमेंट बच्चों को स्कॉलरशिप प्रोवाइड्स करती हैं, और वो स्कॉलरशिप भी डायरेक्टली जो बच्चे होते हैं उनके अकाउंट में डायरेक्टली डालती हैं। तो अभी हम जो डिस्कशन कर रहे हैं वो इटालियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके अंदर चार डॉक्यूमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गेटिंग दैट स्कॉलरशिप। ये इटली गवर्नमेंट किनको स्कॉलरशिप प्रोवाइड्स करती हैं? इटली गवर्नमेंट ने कुछ कंट्रीज़ को लिस्टेड किया हुआ है। अगर आप उन कंट्रीज़ के से बिलोंग करते हो, उन कंट्री के नेशनल हैं, तो आपको इटली गवर्नमेंट स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेगी, सब्जेक्ट टू आपके डॉक्यूमेंटेशन जो मैं इस वीडियो में बताऊंगा, और आपकी एकेडमिक बैकग्राउंड एज वेल एज आपका इंग्लिश लेवल और आपका एज क्राइटेरिया। उसके बाद दे विल ग्रांट द स्कॉलरशिप। स्कॉलरशिप की अमाउंट, ड्यूरेशन, एवरीथिंग हम इस वीडियो के थ्रू आपको बताएंगे। तो जो चार मेन डॉक्यूमेंट्स हैं उसके अंदर सबसे पहले इनकम सर्टिफिकेट, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इटली गवर्नमेंट डेवलपिंग और अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़ के स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है, और इंडिया डेवलपिंग कंट्री के अंदर आता है। इंडिया के जितने भी स्टूडेंट इटली में, रिपीट कर दूं, जो पब्लिक यूनिवर्सिटी में, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, उनको ये स्कॉलरशिप एप्लीकेबल है। लेकिन लेना कैसे है, क्योंकि हम इटली की यूनिवर्सिटी और इटली स्टूडेंट वीज़ा को पिछले 6 या 7 साल से डील कर रहे हैं। मैंने अपनी लास्ट जो लेटेस्ट वीडियो डाली थी उसमें मैंने बताया था कि जो 2009 का सितंबर इंटेक रहा इटली का, क्योंकि मेजर इंटेक उनका गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी का सितंबर का ही होता है, उसमें कोई रिजल्ट्स अच्छे नहीं रहे, बहुत सारी रिजेक्शंस आई हैं ड्यू टू सम गवर्नमेंट का, उनका अपनी कोई पॉलिसी चेंज कर रही है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की, फॉर दैट रीज़न दे आर गिविंग लॉट ऑफ रिफ्यूज़ल्स। बट जो अभी सितंबर 2020 के लिए जो इनटेक ओपन होने वाले हैं, कुछ यूनिवर्सिटी ने ओपन ऑलरेडी कर दिए हैं। अगर आपने इटली का स्टूडेंट वीज़ा भी अप्लाई करना है गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में, यहाँ पर ट्यूशन फीसेज कुछ यूनिवर्सिटी में है नहीं है, कुछ यूनिवर्सिटी में वेरी इकोनॉमिकल है, तो आप क्राउन इमिग्रेशन से संपर्क कर सकते हैं और हमारे वीडियोस भी देख सकते हैं स्टडी इन इटली और फ्री स्टडी इन इटली हमारे क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर जाकर। तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट है वो है इनकम सर्टिफिकेट। आपके पेरेंट्स का, आपके स्पॉन्सर का इनकम सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना पड़ता है इटली गवर्नमेंट को, जिन्होंने ये स्कॉलरशिप प्रोवाइड करना है। उसके अंदर कितनी इनकम मेंशन करनी है आपने ईयरली, आपकी जो इनकम है ईयरली नॉट मोर देन 2 लाख, 2 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उसके बाद है फैमिली मेंबर सर्टिफिकेट्स। आपके फैमिली मेंबर्स का एक सर्टिफिकेट बनता है, आपके सिबलिंग्स है, आपके पेरेंट्स हैं, उनका एक सर्टिफिकेट बनता है। उनके फॉर्मेट्स किस टाइप के होते हैं वो आप हमारे ऑफिस में आकर भी ले सकते हैं। और थर्ड नंबर है आपका बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट। आपको एक बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट भी दिखाना पड़ता है इटली गवर्नमेंट को जब स्कॉलरशिप लेना है। उसके अंदर जो अमाउंट है 50,000 इंडियन रुपीज़ से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। और फोर्थ नंबर पर है प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट, कि आपके नाम पर, आपके स्पॉन्सर के नाम पर, आपके पेरेंट्स के नाम पर प्रॉपर्टी जिसमें आप घर हैं उसके डॉक्यूमेंट चाहिए। जो प्रॉपर्टी है वो आपकी 100 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आप रेंट पर रहते हैं तो रेंटर जो रेंट एग्रीमेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा। ये मैंने चार डॉक्यूमेंट्स बताए हैं, ये चार डॉक्यूमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और इनके फॉर्मेट आप क्राउन इमिग्रेशन के किसी भी ऑफिस में से ले सकते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट एक तो लेने के बाद इनको ऑथेंटिकेट करवाना पड़ता है कंसर्न डिप्टी कमिश्नर, जहाँ पर आप रह रहे हैं आपका वो डिप्टी कमिश्नर इनको ऑथेंटिकेट करके देगा, साइन करके देगा कि हाँ आपकी इनकम भी इतनी है, आपके फैमिली मेंबर भी इतने हैं, आपके पास प्रॉपर्टी भी इतनी है। ये तीन डॉक्यूमेंट को वो ऑथेंटिकेट करके देगा, और ऑथेंटिकेट करने के बाद इनको अपोस्टल करवाना पड़ता है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से,
जो पटियाला हाउस या दिल्ली से करवाना पड़ता है। अगर आपको अपोस्टल में भी कोई प्रॉब्लम आती है तो क्राउन इमिग्रेशन आपको अपोस्टल में भी हेल्प कर सकता है। उसके बाद इनको इटालियन लैंग्वेज में ट्रांसलेशन करना पड़ता है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट गैदरिंग के बाद जब आप एडमिशन ले लेते हैं, एडमिशन के पास जब आपका वीज़ा आ जाता है, वीज़ा के बाद ये सारे डॉक्यूमेंटों को आपको वहाँ पर फिज़िकली सबमिट करना पड़ता है। वहाँ पर गवर्नमेंट एजेंसीज़ के ऑफिस हैं जहाँ आप उनको उनके पोर्टल पर भी अपलोड कर सकते हैं। वो किस तरीके से करते हैं उसके लिए भी आप क्राउन इमिग्रेशन से संपर्क कर सकते हैं उनके नियर बाई ऑफिस पर में जाकर, क्योंकि इटली के बहुत टाइप के हम स्कॉलरशिप्स बच्चों के लिए अप्लाई रेगुलर करते रहते हैं। तो अभी आता है ड्यूरेशन और ग्रांट्स, वो कितना स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को। वो 900 यूरो पर मंथ बच्चे को प्रोवाइड करते हैं। जो 900 यूरो प्रोवाइड करते हैं, कुछ बच्चों को 3 मंथ के लिए देते हैं, कुछ बच्चों को 6 मंथ के लिए देते हैं, कुछ बच्चों को 9 मंथ के लिए देते हैं। डिपेंड है ड्यूरेशन ऑफ स्कॉलरशिप कि कितने टाइम का आपको इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करना है। तो उनके और भी बहुत सारे टाइप के स्कॉलरशिप है। ये मैंने एक जनरल स्कॉलरशिप के बारे में बताया, जो इटालियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट, उसके बारे में मैं डिस्कस करता हूँ। तो बाकी भी जो स्कॉलरशिप है उनमें भी यही डॉक्यूमेंट चाहिए। ये आम बच्चे यही स्कॉलरशिप को वहाँ पर अप्लाई करते हैं, जो हम भी करते हैं। ड्यूरेशन भी बता दिया, अमाउंट भी बता दिया है, और इसमें एज क्राइटेरिया, एज क्राइटेरिया आपकी जो एज है 28 ईयर से कम होनी चाहिए। अगर आपकी एज 28 साल से ज़्यादा है तो आपको ये स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा। अगर आप PhD के स्टूडेंट हैं तो आपकी 30 साल की एज चल सकती है। तो ये मैंने जितनी भी आपको इन्फॉर्मेशन बताई है अबाउट स्कॉलरशिप, इटली स्कॉलरशिप के बारे में, तो क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, इस वीडियो में मैंने सारा का सारा बताया डॉक्यूमेंट्स। फिर मैंने आपको बताया कि आप हमारे नियर बाई ऑफिस से ले सकते हैं। और इसके अंदर इंग्लिश लैंग्वेज का भी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। आपकी इंग्लिश, आपका IELTS या आपकी प्रीवियस जिसको MY कहते हैं, वो भी एक डॉक्यूमेंट मांगते हैं। आपके परसेंटेज, एकेडमिक परसेंटेज कैसे हैं उसको भी देखते हैं। इन चीज़ों को देखने के बाद दे विल ग्रांट द स्कॉलरशिप। तो अगर आपको स्कॉलरशिप से रिलेटेड एनी क्वेरीज है, इटली स्कॉलरशिप से रिलेटेड एनी क्वेरी है, तो आप क्राउन इमिग्रेशन के किसी भी नियर बाई ऑफिस में संपर्क कर सकते हैं। इवन अगर आपको प्री इनरोलमेंट में कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं इटली की, क्योंकि वहाँ का एडमिशन प्रोसेस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, आपका एडमिशन हो जाता है, आपको प्री इनरोलमेंट में कोई प्रॉब्लम आ रही है, या DOV बनाने के, जिसको डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू कहते हैं, उसको बनाने में भी प्रॉब्लम आती है, तब भी आप क्राउन इमिग्रेशन के नियर बाई ऑफिस में संपर्क कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगती है, इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।